नमस्कार, मैं सुधा नवर एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के बौद्धिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस बौद्धिक सत्र में मैं बीएससी होम साइंस सेकंड ईयर का टेक्सटाइल वाले पेपर में फर्स्ट यूनिट है वीव एवं वीव के प्रकार, उसके बारे में चर्चा करूंगी। इससे पहले वाले बौद्धिक सत्र में अपन ने लूम या करघा के बारे में पढ़ा था। लूम या करघा वह मशीन जिस पर की बुनाई की जाती है। आज अपन बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। बुनाई या वीविंग यानी ताना और बाने का अंतर्गुथन, इसे हम वीव कहते हैं। साधारणतः जितना भी हम कपड़ा यूज़ करते हैं उसका लगभग 70-80% कपड़ा वीविंग के द्वारा ही बनता है। अतः कपड़ा बनाने का सबसे प्रमुख मेथड वीव ही है। वीविंग में दो तरह के यान काम में लेते हैं, वार और वेफ्ट। वार या ताना, ताना जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसे कस कर या तान कर रखा जाता है। यह कपड़े की सेल्वेज के पैरेलल होता है और लूम पर क्लॉथ बीम और वार बीम के बीच में कसा हुआ रहता है। सेकंड है वेफ्ट यान या फिलिंग यान या बाना, इसको शटल के ऊपर लपेटते हैं और जब वार ऊपर और नीचे उठते हैं तो बीच में एक गलियारा सा बनता है या एक खाली स्पेस बनता है, उसमें शटल के माध्यम से वेफ्ट यान को डाला जाता है। यह वार यान को फिल करता है, इसलिए इसको फिलिंग यान भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल वीव। दो तरह की होती है, फंडामेंटल वीव और फैंसी वीव। फंडामेंटल वीव वह वीव है जिसमें प्रत्येक रिपीट में बार और वेब थ्रेड या तो ओवरलैप करता है या ओवरलैप होता है। इसमें हमेशा वार और वेफ्ट की संख्या बराबर होती है, यानी फंडामेंटल वीव का जो रिपीट होता है उसमें वार और वेफ्ट हमेशा बराबर होते हैं। रिपीट यानी वीव का वह छोटा सा छोटा हिस्सा जो कि पूरी वीव को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम रिपीट कहते हैं। वीव में दो पैरामीटर्स होते हैं, आर ओ का मतलब है रिपीट और वार, आर वाई का मतलब है रिपीट और वेफ्ट। सामान्यतः फंडामेंटल वीव तीन तरह की होती है, प्लेन, ट्वील और साटीन। फंडामेंटल वीव को बेसिक वीव भी कहा जाता है। प्रत्येक फंडामेंटल वीव को पैरामीटर्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक पैरामीटर्स की अपनी वैल्यू होती है। मुख्यतः दो पैरामीटर होते हैं, वीव का रिपीट या इसको हम आर से शो करते हैं और मूव या शिफ्ट यानी एस। शिफ्ट यानी दो नेबर वार ओवरलैपिंग के बीच की दूरी को शिफ्ट कहा जाता है। यह नंबर ऑफ थ्रेड्स के द्वारा नापा जाता है। सामान्यतः दो तरह की शिफ्ट होती है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट यानी SO, यह दो वार थ्रेड के शिफ्ट जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती है। इस शिफ्ट को अधिकांश शिफ्ट ऑन वार के नाम से कहते हैं, जिसका काउंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट दो वेब थ्रेड की शिफ्ट जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती है। इस शिफ्ट को अधिकांश शिफ्ट ऑफ वेफ्ट भी कहते हैं, जिसका कि काउंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। शिफ्ट धनात्मक या ऋणात्मक दोनों तरह की हो सकती है। वर्टिकल शिफ्ट हमेशा धनात्मक होती है जबकि काउंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है।
हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तब पॉजिटिव होती है जबकि काउंट लेफ्ट टू राइट दिशा में होता है तथा नेगेटिव में इसका विपरीत काउंटिंग होता है। अब अपन पढ़ेंगे प्लेन वेव के बारे में। प्लेन वेव सबसे सरलतम वेव है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है साधारण बुनाई। यह सभी वेव में सबसे साधारण होती है। इसमें थ्रेड की इंटरलेसिंग अल्टरनेट ऑर्डर पर होती है, यानी पहला वार्प थ्रेड पहले वेव थ्रेड को ओवरलैप करता है तथा सेकंड वेव थ्रेड के नीचे से जाता है। वह सेकंड वार्प थ्रेड प्रथम वेव थ्रेड के नीचे से जाता है और सेकंड वेव थ्रेड को ओवरलैप करता है। इस तरह से क्रम निरंतर चलता रहता है। प्लेन वीव में एक यूनिट के अंदर वार और वेफ्ट ओवरलैप का नंबर बराबर होता है। प्लेन वीव फैब्रिक्स को दो भागों में बांटा गया है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है संतुलित, यानी इसमें वार और वेफ्ट का काउंट सेम होता है, यानी एंड्स और पिक्स पर सेंटीमीटर लगभग बराबर होते हैं। बैलेंस भी ज़्यादा मजबूत होती है और कपड़ों में साधारणतः बैलेंस भी का ही अधिक यूज़ किया जाता है। यह सिंपल होती है और बैलेंस वीव का कपड़ा बहुत जल्दी प्रोडक्शन होता है या बहुत जल्दी बन जाता है। जितने भी फैंसी वीव हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो उसकी सेल्वेज बनाने के लिए या किनारी बनाने के लिए भी प्लेन वीव का ही उपयोग किया जाता है ताकि उसका एक निश्चित आकार बना रहे। प्लेन वीव में सबसे सिंपल फॉर्म में इंटरलेसिंग होती है, किंतु यह सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। प्लेन वीव में बनाए गए फैब्रिक्स में हम कई तरह से वैरायटी ला सकते हैं या ऑर्नामेंट चेंज कर सकते हैं। उसके कई सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है, यान के साइज में अंतर लाकर ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। यदि हम अनइवन यान को अनियमित अंतराल पर प्रयोग करें तो रफ टेक्सचर का कपड़ा प्राप्त होता है। बनेगा वो प्लेन भी लेकिन उसके टेक्सचर में अंतर आता है तो अच्छा सा लगता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड है, वार और वेफ्ट यान के नंबर में अंतर लाकर भी हम ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं। यानी बार यदि हम एक लेंगे तो वेफ्ट हम दो लेंगे और दो को एक ही मैनर में काम में लेंगे। नेक्स्ट है, वार और वेफ्ट यान की डिग्री ऑफ ट्विस्ट में परिवर्तित करके भी हम प्लेन वीव में भिन्नता लाई जा सकती है। जैसे वार यान को बहुत अधिक ट्विस्ट करें और वेफ्ट यान में बहुत कम ट्विस्ट दें तो क्रेप के जैसा कपड़ा हमें मिलता है। नेक्स्ट है, यदि डिफरेंट टेक्सटाइल रॉ मटेरियल वार और वेफ्ट में प्रयुक्त किया जाए तो भी हम वैरायटी लाई जाती है। इसमें अधिकांश रेयोन का धागा काम में लिया जाता है। वीविंग करते समय बीच बीच में रेयोन के धागे इंसर्ट कर दिए जाते हैं जिससे फैब्रिक की सरफेस स्मूथ प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, यदि विभिन्न रंग में रंगे गए यांस को फाइबर्स को वार्प और वेफ्ट में डिफरेंटली प्रयुक्त करें तो भी हम वैरायटी ला सकते हैं। और लास्ट मेथड है, डाइंग और फिनिशिंग से भी हम भिन्नता ला सकते हैं। लूम पर जो कपड़ा उतरता है बिल्कुल एक जैसा होता है और जो हम ये पूरे भारतवर्ष में कपड़े में जो वैरायटी देखते हैं वो वैरायटी मुख्यतः डाइंग और फिनिशिंग और प्रिंटिंग की वजह से ही होती है। अतः डाइंग प्रिंटिंग के द्वारा हम बहुत अधिक इसमें परिवर्तन ला सकते हैं या वैरायटी ला सकते हैं।